सीजीएल का जो है ये दूसरा वीडियो है मेरा कि कौन सा सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ना है ताकि आप कम पढ़ के जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें आज जो है मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मैथ में जो है कम पढ़ के वो कैसे आप 20 क्वेश्चन कम से कम 17-18 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। और मैं इस आधार पे बता रहा हूँ कि 2012 और 2015 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, और जेएससी का ट्रेंड है कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरह के फिर पूछे जाएंगे, बशर्ते कुछ और टफ हो जाए, थोड़ा लेवल उनका हाई हो जाए, लेकिन उनका जो टॉपिक होता है वो गिना चुना टॉपिक होता है। तो वही टॉपिक मैं अभी यहाँ पे आप क्लियर करने वाला हूँ। तो इससे आपका यही होगा कि अगर आपको टॉपिक पता चल जाएगा तो आप आराम से उस टॉपिक को अच्छे ढंग से लो लेवल हाई लेवल सारे क्वेश्चन करके चल जाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी टाइम एनफ है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है, तो टाइम आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ के जाना है। इसको एक दो भाग में मैं बांट के बताऊंगा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको ध्यान से देख के और उसी चैप्टर का स्टडी आपको करना है, क्योंकि बेकार का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो बताया जा रहा है उसको एनालिसिस कर लें, 2012 2015 का क्वेश्चन खुद भी देख लें, उसके बाद जो है वो पढ़ाई स्टार्ट करें ताकि आप जो पढ़ें वो बेकार ना जाए। तो सबसे पहले मैं यह बताऊँगा कि आपको पहला चैप्टर जो है वो एरिया, इस पे गौर करना है। एरिया में भी आपको क्या करना है, विरीत करना है, सम चतुर्भुज करना है, चतुर्भुज करना है, ट्रायंगल करना है, ये सब जो है आपको एरिया के जो है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका फर्मूला जो है आपको रट लेना है, और हर एक फर्मूले से आपको क्वेश्चन सेट करके देख लेना है कि ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि एरिया जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है जेएससी के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बार बार क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लेवल तो उतना हाई में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो रेशियो, रेशियो भी फेवरेट चैप्टर है जेएससी का, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन इससे दिया जाता है, प्रोपोर्शन से उतना क्वेश्चन नहीं रहता है, रेशियो से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तीसरा जो चैप्टर होगा वो आपका सीआई होगा, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आता ही है। चौथा क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि आपको अलजेब्रा पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, इससे 1-2 क्वेश्चन ये जेएसएससी वाले डालेंगे ही। तो इतना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में पढ़ लेना है। उसके बाद मैं बात करूँगा, क्षेत्रफल मैंने बात कर लिया, सीआई मैंने बात कर लिया, अलजेब्रा मैंने बात कर लिया, ऐसा ही ईजी चैप्टर है, तो इसको मैंने इसलिए कंसिडर यहाँ पर नहीं किया है कि आप तो सीआई अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही आपका ऐसे ही हो जाना है, क्योंकि ऐसा ही के बिना सीआई आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो ऐसा ही भी यहाँ पर आप लोग लिख के चल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ आता है, ये है आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से ये चैप्टर को कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने की संभावना रहती है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे टफ पूछ दे रहा है, ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपको कर लेना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे दिया जाता है, पिछले बार जो है दुकानदार वाला दिया गया था, ऐसे कुछ बेईमान दुकानदार जो होते हैं वो सब दिया गया था, तो आपको पार्टनरशिप पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पार्टनरशिप हो गया, उसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस ये पढ़ लेना है, क्योंकि आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया जाता है जेएससी की तरफ से। इतना चैप्टर जो है आपको करके चले जाना है, और आराम से 15+ तो आपके इसी से मिलने वाले हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं उसको आपको बारीकी से थोड़ा मोड़ा देख लेना है, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन विशेष ध्यान इन चैप्टर पे देना है, क्योंकि इन चैप्टर जो है जेएससी के लिए फेवरेट होता है, और इस चैप्टर से जो है जेएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपके पास अभी एनफ टाइम है, अगर आप पर डे 3-3 दिन में 1-1 चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं फिर भी आपके पास इतना टाइम है कि आप मैथ आराम से कंप्लीट करके रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में गिना चुना टॉपिक है, 14 से 15 टॉपिक आपके पास हैं, और इसको पढ़ना बहुत सरल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बुक में कंसिडर यहाँ पर नहीं करूँगा, कोई भी बुक लेके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेवल जो है वो जेएससी का काफ़ी लो रहता है। अगर आप चैप्टर को जान रहे हैं और थोड़ा आपके पास एक्स्ट्रा माइंड है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, एकदम से नहीं, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, और आप आराम से कर सकते हैं।
इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो रीजनिंग का होगा, और रीजनिंग में मैं जितना बता दूंगा, जितना चैप्टर बता दूंगा, उतना एक बार आप रिवाइज करके चले जाना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैथ तो थोड़ा अथाह होता है, मैथ में कहीं से भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में जो है वो टॉपिक जो है वो फेवरेट टॉपिक होता है जेएससी के लिए, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर नहीं है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।